काकुल के साथ मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अब कोई भी आर्ग्यूमेंट और कोई भी सफाई इस रिश्ते में पैदा की गई दरार को भर नहीं सकती। काकुल इज डेड फॉर मी। सम्मान, ये तू क्या कह रहा है बेटा? हाँ दादी, ये बात मैं बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं। आई नो आपके लिए बहुत शॉकिंग है, आप सबको बहुत बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं अभी भी अपने डिसीजन पर कायम हूं। पापा, हालांकि मैं जानता हूं मैंने काकुल का दिल दुखाया है, उसने कई बार मेरी गलतियां माफ की है, मुझे काकुल को लेकर इतना हार्श नहीं होना चाहिए था, लेकिन शायद मैं काकुल की तरह महान नहीं हूं। जबरदस्ती की गई इस शादी की कड़वी यादों को भुला पाना बहुत मुश्किल था पापा, लेकिन मैंने कोशिश की, क्योंकि मैं जानता था आप सब लोग यही चाहते हैं। मेरा परिवार, मेरी फैमिली की भलाई इसी में है, और मुझे भी लगा कि मैं अगर कोशिश करूं तो काकुल के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता हूं। वो चाहती है मुझे, मेरी फैमिली को चाहती है, लेकिन अब कैसे दादी? हाँ, जबकि मैं पूरी असलियत जानता हूं। पापा, अगर मैं इमोशंस में बहकर काकुल को घर भी ले आया तो भी ये बात मैं अपने दिमाग से कभी नहीं निकाल पाऊंगा कि मेरा रिश्ता उन लोगों के साथ है जो मुझे जिंदा नहीं देखना चाहते। और फिर मेरे लिए तो सिचुएशन वही होगी ना पापा, कि मुझे एक बार फिर काकुल के साथ मजबूरी में रहना पड़ेगा। इस सिचुएशन में क्या मैं काकुल के साथ खुश रह पाऊंगा? You're right, बेटा। और इस बार आई विल सपोर्ट यू माई सन। बेटा, मुझे एहसास हो गया कि वो लोग ठीक नहीं है, बहुत खतरनाक है। बात बात पे हाथ चला देना, बंदूक निकाल देना तो मामूली बात है उनके लिए। उनका साथ देकर मैं अपने बेटे की जिंदगी के लिए खतरा मोल नहीं ले सकता। मैं अब भी कहती हूं, तुम लोग सब काकुल के साथ ज्यादती कर रहे हो, लेकिन मैं ये भी मानती हूं कि विश्वास और प्यार शादी को कामयाब करता है। जब वो ही नहीं रहा तो साथ रहने का क्या मतलब है? काकुल नहीं चाहती कि वो तुम पर बोझ बन कर रहे हैं। वो नहीं चाहती कि तुम किसी दबाव में आकर उसको स्वीकार करो, समझे? यहां सिंथिया नाराज होकर बैठी है, वहां पापा मुझे घर बुला रहे हैं। पता नहीं ऐसी क्या जरूरी बात करनी है जो फोन पे नहीं हो सकती है। काकुल और सम्मान के बारे में कुछ कहना है, या सिंथिया को लेकर कोई डाउट हो गया उन्हें? आई होप सब ठीक हो। ओह गॉड, कितनी टेंशन है। मुझे कोई टेंशन नहीं है। अरे मुझे है। क्या हो गया है? इतनी सी उम्र में क्या टेंशन हो गई? मम्मा रो रही है, पापा यहाँ ठहर रहे हैं, मैं किसके साथ खेलूं? ओह, तो बोलना चाहिए ना, तुम्हारा खेलने का मूड है, क्या करोगे बोलो। मम्मा आपसे गुस्सा है। लगता तो ऐसा ही है। तो सॉरी बोल दीजिए ना। अरे मैंने बोला सॉरी, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है, और अब मुझे उसके पास जाने से डर लगता है। मुझे भी डर लगता है, गुस्सा हूँ, पर मारती भी है। मारती भी है? अच्छा। ओ बाबा, एक काम करते हैं, हम लोग ना चुपचाप यहाँ बैठ के लूडो खेलते हैं, और मम्मी का जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो अपने आप बाहर आ जाएगी। हाँ, तो कुछ जा लूडो लेके। अच्छा 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 अच्छा। शर्मा की तरफ से, और ये है एवरीथिंग वेंट ऑफ सो वेल लामा, लेकिन लगता है कि
मेरी किस्मत में खुशी है ही नहीं। अरे ऐसा क्यों बोल रही है तू? सम्मान ने जो बात बताई ना, उसके बाद तो सारा एक्साइटमेंट ही खत्म हो गया। जरा सोचिए माँ, जो लोग हॉस्पिटल में इतने शरीफ बनकर हमारे साथ साथ सम्मान की फिक्र कर रहे थे, उन्हें देखकर कोई कह सकता है कि इन्हीं लोगों ने इसका एक्सीडेंट प्लान किया होगा? सम्मान, यू कांट इवन इमेजिन सुजीत और नाना ने कैसा ड्रामा किया है वहां पर। वो लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं। शेखर और उसकी फैमिली भी इतने इंप्रेस हो गए थे कि मुझे और माँ को उस नाना के घर जाना पड़ा, काकुल के हाथ पैर जोड़ने पड़े, मिन्नतें करनी पड़ी उससे ताकि वो आज के सेरेमनी में अपनी शक्ल दिखाए। अब हमें क्या पता कि किसी के मन में क्या चलता है, हम तो सबको अपनी तरह समझेंगे ना। लेकिन एक बात है बेटा, सुजीत और नाना के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट जरूर करनी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए ऐसे लोगों को, हिम्मत बढ़ती है उनकी। माँ अभी मैं कुछ नहीं करना चाहता, बस देविका दीदी की शादी हो जाए ठीक से, देन आई विल टेक एक्शन। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी सम्मान, एक बार वो लोग पटना पहुंच गए ना तो ओम शंकर जी सारे हथकंडे अपनाएंगे उनको बचाने के। एंड यू नो हाउ पावरफुल ही इज। दादी काकुल के साथ मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। काकुल इज डेड फॉर मी। काकुल, मैंने तो बहुत चाहा कि तुम इस घर की बहू बनी रहो, लेकिन पता नहीं कि भगवान को क्या मंजूर है। ये अग्नि परीक्षा है या किस्मत का खेल, कौन जान सकता है। तेरे खेल भी निर्भर है। अरे चलो भाई, ये ट्रैफिक भी ना, अब तक एयरपोर्ट पहुंच गए होते। आपके शहर में कुछ ठीक भी है? कुछ ठीक भी है इस शहर में? ऐसा लगता है जैसे इन ससुरों के सबके घरों के अंदर सांप बिच्छू घुस गए, सब गाड़ियां लेके भाग दौड़ रहे हैं। ऐसा लगता है घर में टिक नहीं सकते हैं क्या ये लोग? और ऊपर से हर दस कदम पे लाल बत्ती लगा दी है ससुरे। रुकते कहां हर लाल बत्ती पे आप? अब अगली लाल बत्ती पे रुकेगा मत आप। सुजीत बाबू हवलदार रोक लेगा तो वक्त बर्बाद हो जाएगा। काकुल फ्लाइट में बैठ चुकी है नाना, और हम यहाँ इस शहर के ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं। अगर अमरनाथ के घर चले जाते तो कुछ प्रॉब्लम हो जाता आपको, अगर वहां जाके उसका अकल ठिकाने लगा देते तो कोई दिक्कत हो जाता आपको, अगर आगे पीछे का सारा हिसाब बराबर करके हम बैलेंस शीट तैयार कर देते तो कुछ बिगड़ जाता आपका। त्रिशा तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर हमारे बिना काकुल पटना पहुंच गई तो क्या होगा? लेकिन आप ही तो कह रहे थे ना कि उसे डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिली है, वो दिल्ली से होकर जा रही है। हाँ तो अगर हमें डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी तो हो सकता है ना कि हम सब साथ घर पहुंचे। हाँ मतलब एयरपोर्ट पहुंच जाए पहले तो ना। एयरपोर्ट तो पहुंचा पहले, पटना पहुंचेंगे। ये लीजिए बाबू साहब का फोन है। क्या करें हम? रो रही है? नहीं अभी रोना बंद कर दिया। तो सो रही है? पापा मुझे भूख लग रही है। मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें मम्मी के पास छोड़ के मैं। क्यों पापा, आपको कहीं जाना है? हाँ मुझे जाना था, लेकिन अब मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे बेटे को भूख लगी है, तो मुझे पहले उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, है ना? तो किचन में चल के हम लोग कुछ बनाते हैं, है? यस मम्मी सो रही है, उनको सोने दो। हाँ मम्मी सो रही है, उसको सोने दो, चलो। यू नो
दीज पीपल आर रियली क्रेजी। सम्मान को काकुल की फैमिली पर डाउट है कि उन्होंने ही उसका एक्सीडेंट करवाया। इनफैक्ट डाउट ही नहीं, उसे पुलिस स्टेशन से भी पता चला है, और इसीलिए सम्मान ने काकुल को घर लाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। और देविका ये भी कह रही थी, आई डोंट केयर देविका ने क्या कहा क्या नहीं कहा, अगर सम्मान काकुल को एक्सेप्ट नहीं भी करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे पास आ जाएगा। निकाल दो अपने मन से सम्मान का ख्याल, निकाल दो वंशिका। मान लो सम्मान तुम्हारे लिए मर चुका है, यूं ही समझ लो कि एक्सीडेंट में सम्मान की मौत हो गई। पापा, आप सम्मान के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? He loves me, और मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ, और जब काकुल उसकी जिंदगी में नहीं रही, उन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं रहा, तो I have a chance to make a life with him, पापा। क्यों? कल रात की बात भूल गई तुम? कितने गुस्से में थी? तुम्ही ने कहा था कि तुम सम्मान को फोन तक नहीं करोगी, और अगर वो तुमसे बात करता है तो तुम 100 बार सोचोगी। पापा, मैं गुस्से में कुछ भी कह देती हूँ, लेकिन मैं सम्मान से इतनी नाराज नहीं हो सकती कि मैं उसे भूल जाऊं। I'll call him right now. सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कुछ चीज होती है वंशिका। कब तक सम्मान तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलता रहेगा? और तुम झुकती रहोगी? तुम्हें हमारी बात नहीं माननी तो मत मानो, मगर कम से कम सम्मान को फोन करने दो। अगर वो तुमसे सच में प्यार करता है, उसे परवाह है तुम्हारी, तो वो फोन करेगा। अरे तुम क्यों झुकती हो? कुछ तो अपनी इज्जत का ख्याल रखो। यस नेहा, सम्मान भैया पुलिस स्टेशन गए थे और वहां उन्हें उस ड्राइवर ने बताया कि उनके एक्सीडेंट के लिए नाना और सुजीत ने उसे पैसे दिए थे, और सम्मान भैया ने उस गुंडे की बातों पर भरोसा कर लिया। कमाल है शरद, कोई भी राह चलता आदमी हमें कुछ भी बोलकर चला जाएगा और हम विश्वास कर लेंगे। शरद, ऐसी बात सुनकर पुलिस भी ये दावा नहीं कर सकती कि जो वो ड्राइवर बोल रहा है वो सच है। जब तक सुजीत और नाना के अगेंस्ट सबूत इकट्ठे ना हो जाए, कानून उन्हें गुनहगार नहीं मानेगा। किसी की भी बातों में आने से पहले सम्मान भैया को इतना तो सोचना चाहिए ना? अगर नहीं, सही गलत सच झूठ क्या है, अगर ये समझने की काबिलियत होती ना उनमें, तो ये नौबत ही नहीं आती। ओके, डोंट गेट सो अपसेट। आई एम सॉरी शरद, तुम्हारे बड़े भैया के लिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, बट यू नो आई कांट हेल्प इट। मैं समझ सकता हूँ। ओके, आई विल कॉल यू लेटर। ओके, टेक केयर, बाय। नेहा, क्या सचमुच सुजीत और नाना ने सम्मान का एक्सीडेंट करवाया? नहीं माँ, मुझे लगता है ये एक वेल प्लान साजिश है। I'm sure उस सक्सेना ने ही उस गुंडे को पैसे दिए। ओहो नेहा, ये हर बात में सक्सेना पे शक करने का शौक चढ़ाया क्या तुम्हें? ऐसा ही समझ लीजिए, लेकिन जब भी मैं सक्सेना के अगेंस्ट कुछ बोलती हूँ, आप इतना हाइपो क्यों हो जाती हैं? ये 11,101 अच्छी खासी कमाई हो गई। हाँ, 11,100 मैं रख लेती हूँ, 1 रुपया तुम रख लो। इंडियन रीति रिवाजों में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। देखो ना, कितना भी बड़ा अमाउंट क्यों ना हो, 1 रुपया जोड़ कर ही तो शगुन दिया जाता है। 11, 21, 51, 101, 1001, 11,101। अच्छा अच्छा, तुम्हारा ये पहले से तुम्हारा ये ऊपर वाला हिस्सा बहुत कमाल का है, हमेशा बचपन से ऐसी हो ना? नो बाबा, आज ना रह के बचपन की यादें ताजा हो रही थी। कैसे? बंटी है ना, सिंथिया का बेटा, सो क्यूट ही इज। आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसको, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी बड़ों के बीच में बिजी रहने की, एंजॉय करने की पूरी कोशिश कर रहा था। ये बंटी स्मार्ट है बहुत, और थोड़ा सा नॉटी भी। थोड़ा सा? वो तो अपने पापा की एक भी बात नहीं मानता है। हाँ, डॉक्टर ऋषभ कुछ कह दे तो चुपचाप सुनता है। अच्छा, मतलब ये ऑब्जर्वेशन है या शिकायत है? नहीं, वो सिंथिया और बेटा बंटी दोनों डॉक्टर ऋषभ के बहुत क्लोज हैं, कहीं तुम्हें इससे तकलीफ तो नहीं है? What a stupid question, भाई। And it's got nothing to do with me। नहीं, मतलब मैं तो बस ऐसे ही, मैंने बोल दिया, चिढ़ा रहा था तुम्हें। पर एक बात तो है, डॉक्टर ऋषभ की जब भी शादी होगी, बच्चा होगा, तो वो अच्छे पति
और अच्छे पिता भी साबित होंगे। आई थिंक सिंथिया के मैरिड लाइफ में कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर डिकोस्टा और वो बनती नहीं शायद, उनमें खुश नजर नहीं आ रही थी वो। हाँ, इसीलिए वो हमेशा अपने दूर, अपने घर से दूर, अपने पति से दूर डॉक्टर ऋषभ को असिस्ट करती रहती है, काम में लगी रहती है। वो कहते हैं ना कि आदमी अगर काम में डूबा रहे ना तो वो सारी परेशानियाँ भूल जाता है। और डॉक्टर ऋषभ भी सिंथिया की तरह, उन दोनों को जब भी मैं साथ में देखता हूँ ना तो हमेशा ऑपरेशन केसेस और हॉस्पिटल के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। मुझसे ये सब बातें क्यों कर रहे हो? आई टोल्ड यू इट्स नॉट ऑफ माय बिजनेस। क्या लो? अरे बंटी, मैं जानती हूं तुम जो कुछ भी कर रहे हो कुछ सोच समझ के कर रहे होगे, और आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, बहुत हर्ट किया है तुम्हें मैंने, एंड आई पता नहीं उस वक्त मुझे और कुछ सूझा नहीं, पर आई प्रॉमिस यू दोबारा कभी नहीं होगा ऐसा तुम्हारे साथ। जो भी हालात है उन्हें मैं जल्द से जल्द ठीक करूंगा, और पूरी इज्जत के साथ तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, वादा करता हूं तुमसे। वंशिका, तुम्हें गलत लगता होगा बेटा, लेकिन तुम्हारे पापा ने जो स्टैंड लिया है ना, मना किया है तुम्हें सम्मान के साथ रिश्ता रखने के लिए, बिल्कुल सही किया है उसने। आप उन्हीं की साइड लेंगे, आपको सम्मान शुरू से ही पसंद नहीं है। वंशिका, मुझे सम्मान पसंद था लेकिन अब नहीं है, और इसका कारण भी है। खैर, पुरानी बातें छोड़, लेकिन अब तुम्हारा उससे दूर रहना ही ठीक है। बुआ, कुछ नई बात कीजिए, I'm tired of this। वंशिका, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है बेटा, तुम खुद ही सोचो आज जिस तरह के लोगों के साथ सम्मान की रिश्तेदारी है वो क्या किसी भी तरह से शरीफ लगते हैं तुम? अरे, जिन्होंने अपने दामाद के बारे में नहीं सोचा, उसकी ही जान लेने की कोशिश की, तो औरों की तो बात ही क्या। जिस इंसान के पीछे इतने गुंडे पड़े हों उसे तो दूर रहना ही बेहतर है। आज वो अपनी चाल में कामयाब नहीं हुए, हो सकता है वो कल फिर आए, और सम्मान के घर में तो तुम्हें कोई पूछता ही नहीं है, वो भी तो यही रहेगा ना। तो ऐसे में वो गुंडे सम्मान को मारने या धमकी देने यही तो आएंगे ना। इस तरह से बेल बजाया जा रहा है, इडियट। कहीं वही लोग तो नहीं? वो लोग क्यों आएंगे? वो नहीं तो कोई और, लेकिन जो भी है मुझे ठीक नहीं लगता।
इतनी भी तमीज नहीं कि एक बार घंटी बजाकर वेट तो करे। मैं देखता हूँ। संभाल के धनराज। सॉरी, वो बेल बजाने के लिए मैंने हाथ लगाया, जस्ट गॉट स्टक, पछती जा रही। जस्ट और बुरे के अच्छे समझ है। एक सम्मान ही नहीं है सारी दुनिया में जिसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो। कभी गौतम को गौर से देखा है? हर मामले में सम्मान से बेहतर है वो। ओ, तो इसीलिए पापा ने उसे यहां बुलाया और इसी वजह से पापा उसे अपने घर में रखना चाहते हैं। तुम्हारे पापा के मन में क्या है ये तो वही जानता है। एक बाप होने के नाते अपनी बेटी का भला ही सोचेगा धनराज।